अभी मैंने थोड़ी देखी है अपनी शादी की पेन ड्राइव, अब कुछ थोड़ी देर बाद देखूंगी, रात को देखूंगी। आज मैं देखूंगी अपनी शादी की पेन ड्राइव, वो भी आ गई है बनके। एल्बम तो परसों देख ली थी मैंने, परसों आ गई थी, अभी मैंने ढंग से नहीं देखी है, अभी मैं ठीक से देखूंगी एक दिन। चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 9:30 बजे से। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अभी मेरे घर का सारा काम निपट गया है। झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर दिया था, क्योंकि मैंने कल नहीं किया था पोछा वगैरह। झाड़ू तो मैंने लगाया था, लेकिन पोछा नहीं लगाया मैंने कल, क्योंकि कल मेरे पतिदेव चले गए थे ड्यूटी, और जिस दिन कोई घर से जाता है ड्यूटी तो उस दिन पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, ना ही कपड़े वगैरह धुलते हैं, नहाना धोना भी नहीं करते उस दिन। तो कल मैंने कपड़े वगैरह और पोछा वगैरह नहीं लगाया, ओनली झाड़ू लगाया था। तो आज मैंने सुबह झाड़ू पोछा कर लिया था। तो अभी सासू जी भी नहीं है घर पे, वो जा रहे के खेत में किसी के साथ पटियाली, बगल वाले सासू जी के साथ। तो जो बगल में सासू जी है ना, उनके साथ जा रहे उनके खेत में, क्योंकि बिजवाड़ है ना उनकी, तो उसकी गुड़ाई करने के लिए जा रखे हैं, क्योंकि उसमें कबाड़ वगैरह हो रखा है ना, तो उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, जो रोपाई के काम आता है। पता होगा आप सभी लोगों को, किसी किसी को पता नहीं होगा जिनके गांव में रोपाई नहीं होती है, तो नाज होता ना तो उसको बिजवाड़ बोलते हैं। तभी बिजवाड़ डाले होते हैं ना, अभी छोटे छोटे होते पौध, तो उसको मतलब उसकी गुड़ाई करते हैं इस टाइम पे। अब कुछ टाइम बाद रोपाई भी लगने वाली है, तो उसी की गुड़ाई करने के लिए जा रहे थे सासू जी उनके साथ। उन्होंने बोला था ना, क्योंकि इसको पटियाली बोलते गांव में, जैसे आज उनके खेत में काम है तो सासू जी उनके साथ जा रखे हैं, तो उसे पटियाली बोलते हैं। और कल हमारे खेत में होगा तो दूसरे वाले सासू जी हमारे साथ आएगी, जिनके साथ सासू जी जा रखे हैं अभी, तो पटियाली भी जा रखी मेरी सासू जी। अभी नहीं आएंगे वो घर, अभी सुबह चले गए थे वो घर से गुडाई करने के लिए। और आजकल तो खेतों का काम ही शुरू हो गया है। कल हमने तोर की गुडाई की और आज बिजवाड़े की, और फिर कुछ दिन बाद आलू वगैरह खोदे जाएंगे, आलू निकाले जाएंगे खेत से, उसके बाद रोपाई का काम भी शुरू हो जाएगा जून के महीने में। मैं लगा हुआ है, अभी जून में ही रोपाई होती है, लास्ट जून में। वैसे मतलब उस साइड पहले हो जाती है और इस साइड थोड़ा लेट होती है ना, क्योंकि पानी हमें लास्ट में मिलता है, पहले उधर से शुरू होके आती है रोपाई, लास्ट में होती है इस साइड को। तो रोपाई तो एक महीने बाद होगी अभी, उससे पहले मैं मायके जाऊंगी बीच में। आज का मौसम पहाड़ों पर भी काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, और आसमान भी हल्का हल्का ख़राब होने लगा है, क्योंकि आसमान में बादल वगैरह छा गए हैं। आजकल मौसम का पता ही नहीं चलता भाई, कब ख़राब हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब धूप हो रही है, कब छाँव हो रही है, क्योंकि मौसम बदलता रहता है दिन भर में। सुबह धूप हो रही तो शाम को तूफान आंधी बहुत तेज चल रहा है, आंधी तूफान इतना आ रहा है ना आजकल शाम को, और सीधा बारिश हुई, पता ही नहीं चल रहा कि कब कब मौसम बदल रहा है, एकदम से बारिश होने लग रही है, मौका भी नहीं दे रहा भाई, सीधा बारिश हो रही है। और तूफान तो इतना तेज चलता है ना, डर लगता है कभी कभी, और आसमान इतने तेज आवाज करता है, बहुत डर लगता है भाई। और देवर जी भी आ गए हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी घूमने, घूमने जाना दुकान में जा रहे हैं, दुकान में। अच्छा, सामने खैट पर्वत पे हल्की हल्की धुंध लगी हुई है, क्योंकि आग वगैरह लगी होगी वहां पे, इसके वजह से धुंध ही धुंध हो रही है, खैट पर्वत साफ नहीं दिख रहा है, पूरी धुंध ही धुंध फैल रखी है वहां पे। दिन के 11 भी बज गए हैं और मेरे खाना बनाने की तैयारी भी हो गई है, और आज खाने में बनाऊंगी मैं हरी सब्जी और चावल। अभी मेरा कुछ पता नहीं है हरी सब्जी बनाती हूँ या फिर कापली बनाऊंगी, इसकी दोनों में से एक चीज़ बनाऊंगी। वैसे मुझे कापली पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगती कापली, और सब्जी मुझे अच्छी लगती है, सब्जी के साथ चावल खाना मुझे बहुत पसंद है। और ये दूसरी वाली राई है, एक राई तो वो वाली होती है जिसमें थोड़े कांटे वगैरह होते हैं, किस किस चुभने वाली राई, और ये मुलायम वाली राई है, इसकी तो सब्जी अच्छी होती है, क्योंकि हमने खाए ना, ये वाली राई तो मैंने ससुराल में आके ही खाई भाई, हमारे गांव में नहीं होती ऐसी राई, हमारे
हमारे गांव में तो दूसरी वाली राई होती है, वो वाली काफ़ी टेस्टी होती है। टेस्टी ये भी होती है लेकिन इसकी कापली अच्छी नहीं होती है, और उसकी कापली बहुत अच्छी होती है। तो इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सासू जी को तो है कापली पसंद लेकिन मुझे नहीं है तो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज। सब्ज़ी के साथ मुझे चावल खाना बहुत पसंद है। तो देखते हैं, काटते हैं इसको, बनाती हूँ मैं, जल्दी बना लेते हैं, तब तक सासू जी भी आ जाएगी घर। और उसके बाद आज मैं देखूँगी अपनी शादी की पेन ड्राइव, वो भी आ गई है बनके। एल्बम तो परसों देख ली थी मैंने, परसों आ गई थी, अभी मैंने ढंग से नहीं देखी है, अभी मैं ठीक से देखूँगी एक दिन एल्बम, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं कैसेट देखूँगी, मतलब परसों ही आई बनके। अभी एल्बम मेरी पहले आ गई थी और पेन ड्राइव परसों आई, ससुराल वालों के तो पहले ही आ गई थी दोनों चीज़। तो ससुराल वाली पेन ड्राइव तो हमने देख ली थी, आधा ही देखी हमने, पूरी नहीं देखी। तो आज मैं मायके वाले देखूँगी, परसों भी देखे हमने मायके वाले, पति देव ने जल्दी जल्दी वो किया, मतलब आगे आगे बढ़ा बढ़ा के, हमने पूरी नहीं देखी। तो मैं आज पूरी ढंग से देखूँगी अपनी कैसेट कैसी आई है। तो अभी पहले खाना बना देते हैं। खाना भी बना लिया है मैंने, और सासू जी अभी नहीं आए खेत से, 1 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आए वो, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और अभी जा रही हूँ मैं पुराने घर पे दादी जी के पास, और छोटी सासू भी वहीं पे बैठ रखी है, और बड़ी सासू जी भी। कपड़े मेरे सूख गए हैं, अभी मुझे कपड़े भी लेके जाने हैं नीचे, आगे हूँ मैं ऊपर। और यहाँ पे देखो छोटी सी बिल्ली है, इनकी है ये, ऊपर वाले सासू जी लोगों की, कभी यहाँ रहते कभी नीचे। और जिम्मी भी आ गई मेरे साथ ऊपर, ये तो वहीं जाते हुए जहाँ हम जाते हैं, बस सबसे आगे आ जाता भाई। जैसे ही मैं ऊपर वाले घर पे आए तो ताई सास खाना खाए थी, उन्होंने बनाए थे आज खाने में कड़ी चावल। तो दादी और सासू जी तो खाना खा रहे थे, तब तक मैं भी आ गई, और उन्होंने मुझे भी ज़बरदस्ती की खाना खा, मैंने बना के मैंने बना रखा है। तो ताई सास ने बोला मैंने कड़ी बना रखी तो थोड़ा सा खा ले, तो मैंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया यहाँ पे। अभी मैं नीचे भी खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि फिर शाम को बच जाएगा वो, क्योंकि आजकल हम दोनों ही घर पे, ससुर जी भी नहीं है। तो अभी नीचे भी खाऊंगी मैं थोड़ा सा ही खाया मैंने यहाँ पे कड़े चावल, बहुत टेस्टी बना रखा था सासू जी ने, बहुत ज़्यादा टेस्टी बढ़िया था बनाया जी तुम्हारा कड़ी। हाँ आज तक बड़ी इतना से खाए वक्त, अरे तब मजे मैं बेड में खाऊँ, कम ही खाऊँ मैं खाऊँ ताई सास बोले तो सिर्फ थाली धोने के लिए केवल, बस खा रहा तो उन्हें खाया नहीं मैं ज्यादा है। हाँ तो मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ ना खाना, तो ताई सास बोले शुद्ध ही खाए वाले जर्सी। अभी मैं नीचे, अभी मुझे नीचे भी खाना है, तो फिर ज्यादा भूख नहीं थी मुझे वैसे भी, तो अच्छी बना रही थी। आ गई हूँ मैं ऊपर वाले घर से भी नीचे, अभी मैं छत पे आ रही हूँ कपड़े निकालने, कपड़े लेके चलती हूँ नीचे। बार बार कौन आएगा इतनी धूप में ऊपर, बहुत धूप हो रही भाई, बहुत तेज धूप हो रही है, अभी आंखों में लग रही सीधा झोल लग रही सीधा सीधा। तो सासू जी भी आ गए खेत से घर, चलते हैं नीचे खाना खाते हैं। पहले बहुत गर्मी हो रही भाई, अभी आए सासू जी, तब वैसे ही मैं नीचे आ गई थी ऊपर से, क्योंकि मुझे भी घर में अकेला अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता मुझे, कल से तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पति देव के जाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, घर पर रहने का मन ही नहीं कर रहा है। शाम का टाइम भी हो गया है और सो के भी उठ गई हूँ मैं अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं पानी के लिए कुआं, मैं और छोटी सासू जी आगे आगे जा रहे हैं पानी के लिए, जा रहे हैं हम ठंडा पानी लेके आते हैं, सुबह नहीं लेके आए तभी जा रहे हैं, और आज मौसम ख़राब नहीं हुआ अच्छा, वरना इस टाइम पर रोज मौसम खराब रहता है। आज हम लोग कुओं पे आ रहे हैं पानी के लिए, आज है यहाँ बहुत सारा पानी, यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी आता है, जैसे फ्रिज का पानी होता है ऐसे पानी आता है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दिन में कि मैं आज अपनी शादी पेन ड्राइव देखूंगी, और दिन में पता क्या हुआ, लाइट ही नहीं थी भाई, मतलब 4-5 घंटे तक लाइट ही नहीं आई, उसके बाद मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ मैं पानी लेके, तो मैं आ गई हूँ घर पे, और अब देखती हूँ मैं थोड़ा सा कैसेट, चलते हैं अंदर देखते हैं, लगा दिए मैंने।
अभी मैंने थोड़ी देखी है अपनी शादी की पेन ड्राइव, अब कुछ थोड़ी देर बाद देखूंगी, रात को देखूंगी खाना बनाने के बाद। अभी मैं ऊपर वाले घर पे चलती हूँ, नाजी लोगों के पास, सासू जी भी वहीं जा रखे हैं।